नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू योर करेंट अफेयर सेशन। डेट है आज की 5 अप्रैल 2020, दिन है संडे। आज जो भी आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा आपको, हमारे इस वीडियो सेशन में आपको 3 प्रकार के वीडियोस मिलते हैं। पहला डेली करंट अफेयर जो मंडे से सैटरडे के बीच में आएगा, सेकंड इसका संडे को इसका करंट अफेयर एमसीक्यूज आएगा जो हमने मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में पढ़ा था, और थर्ड वीडियो आएगा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स जो हफ्ते में इसका एक वीडियो आएगा। तो आज करंट अफेयर एमसीक्यूज का आज एक वीडियो भी आएगा, इसको तो प्लीज़ देखिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे इसमें, जिससे एग्ज़ाम में हम डायरेक्ट एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकें। तो आगे बढ़ते हैं, आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगी। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करने से पहले हमने 4 अप्रैल 2020 को जो पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो इस साल का 26वां था और जो नवंबर 2020 में होने वाला था उसको स्थगित कर दिया है और 2021 में करने का फैसला किया है। रीज़न इसके पीछे है कोरोना वायरस के कारण लगभग हर आयोजन इस वर्ष के हर आयोजन स्थगित कर रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। सो इसे भी स्थगित कर दिया गया, याद रखिएगा ये इस साल का 26वां था। और आप मुझे बताइए कि 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ, आप मुझे बताइए। और यह आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होना था। सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा था डकवर्थ लुइस सिस्टम का, जिसने आविष्कार किया टोनी लुइस, उनका निधन हो गया और ये यूनाइटेड किंगडम के थे। आप बताइए टोनी लुइस के साथ उनके किस फ्रेंड ने डकवर्थ लुइस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करवाया था, ये सिस्टम की उत्पन्न की थी। ये टोनी लुइस अकेले नहीं थे डकवर्थ लुइस के साथ, उनका नाम बताइए जो इनके फ्रेंड थे वो भी इनके साथ मिलकर, दोनों ने मिलकर डकवर्थ लुइस सिस्टम का आविष्कार किया। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था नासा ने सनराइज मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन आपको ये बताएगा, नासा द्वारा सनराइज मिशन आपको यह बताएगा कि, और अध्ययन करने का मतलब इसमें अध्ययन किया जाएगा कि सूर्य से जो सौर कर्ण तूफान उत्पन्न कैसे होते हैं, उसका इस मिशन में सनराइज मिशन से अध्ययन किया जाएगा कि सूरज से जो कर्ण तूफान कैसे उत्पन्न होते हैं, ये इसमें अध्ययन किया जाएगा, सर्च किया जाएगा। तो चौथा हमने पढ़ा था कर्नाटक सरकार द्वारा कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से यह पता चलेगा कि जो पेशेंट जो संक्रमित व्यक्ति है वो क्वारंटाइन होने से पहले 14 दिन के क्वारंटाइन होने से पहले वो किन किन जगहों से गुजरा और किन किन लोगों से मिला, इस ऐप से यह ट्रैक किया जाएगा कि यह व्यक्ति किन किन जगहों पे और किन किन लोगों से मिला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा टॉपिक है 2021 का एशिया, एक सेकेंड, 2021 का एशिया युवा खेल एशियन यूथ गेम्स चीन में आयोजित होगा। यह
यह इसका तीसरा संस्करण है, थर्ड संस्करण है इसका, और यह खेल चीन के शांताओं में खेला जाएगा 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में, याद रखिएगा। इसमें 18 प्रकार के खेल खेली जाएगी, जैसे कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और बीच बॉल, ये कुल मिला के इसमें 18 प्रकार के खेल खेली जाएगी, और 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में ये मैच खेला जाएगा। याद रखिएगा 2021 का एशिया युवा खेल चीन में खेला जा रहा है, या खेला जाएगा, सॉरी। तो थोड़ा सा यूथ गेम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह हर 4 साल में एक बार खेला जाता है, 4 साल में एक बार खेला जाता है, और एशिया की लगभग सभी देश, एशिया महाद्वीप की लगभग सभी देश इस खेल में भाग लेती है, और इसका आयोजन ओलंपिक काउंसिलिंग ऑफ एशिया द्वारा किया जाता है। ओलंपिक का जो संस्था है, जो एशिया का है, उसके द्वारा किया जाता है, और पहली बार यह 2009 में सिंगापुर में खेला गया था, और दूसरा 2013 में, 2017 में होने वाला था, क्योंकि हर 4 साल में होता है ये, 2017 में होना था यह गेम, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो इसे अब 2021 में आयोजन कराया जा रहा है। ये इसका तीसरा संस्करण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया, ये कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है, जिससे आपको, अगर आपके पास ये ऐप है, तो इससे आप पता कर पाएंगे कि आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं खड़ा है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा ऐप है, प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप, आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा। यह ऐप का फायदा ये रहेगा कि जैसे कि आपके पास ऐप है और आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, तो आप इस ऐप के जरिए पता कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है तो नहीं, और यह ऐप आपको कोरोना वायरस होने से कैसे बचे, ये भी आपको पूरा बताएगा। तो प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना है, बहुत अच्छा ऐप है। आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी सरकार ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, प्रज्ञा, इसमें कक्षा पहली से 8वीं के छात्राओं के लिए है। यह पूरी तरह से रेडियो क्लास होगा, क्योंकि तो अभी पूरा भारत बंद है, तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो घर बैठे ही रेडियो क्लास के जरिए यह आयोजन किया जाएगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 5:45 को यह प्रसारित किया जाएगा रेडियो में। तो याद रखिएगा, कार्यक्रम प्रज्ञा गुवाहाटी सरकार द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा किया है कि हेल्थ केयर कर्मियों के, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, लेकिन तब कोई डॉक्टर या कोई नर्स कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति की इलाज करते समय उस डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है, तो तब ये अमाउंट उनके परिवार को दिया जाएगा। और ये प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल दोनों के डॉक्टर को दिया जाएगा, दोनों के डॉक्टर के परिवार को दिया जाएगा। इफ अगर उनकी डेथ होती है तब, याद रखिएगा। तो एक बात बोलना चाहूँगा कि इस टॉपिक में लगभग सभी कोरोना का ही एक टॉपिक है, क्योंकि कुछ नया करंट टॉपिक कुछ आ ही नहीं रहा है, बाकी सब कोरोना कोरोना कोरोना, ओवरऑल सब कोरोना टॉपिक ही चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। फोन पे द्वारा कोरोना केयर एक लॉन्च किया गया है, एक बीमा पॉलिसी है,
फोन पे ने बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर यह साझेदारी की है और इसके जरिए कोरोना केयर के जरिए 50,000 रुपये तक बीमा कवर किया जाएगा। जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है उसे ये 50,000 तक का बीमा दिया जाएगा और ये लगभग सभी अस्पताल में लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी फुल वीडियो। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।